Good morning, everyone. Today we will discuss the psychology of our muscular system. In the previous video, we have learned about the central nervous system and what is brain. स्टार्ट स्पाइनल कोट हमारा टॉपिक होगा स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे द स्पाइनल कोट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट द ब्रेन विद अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडूला ऑब्लिंग एंड कंटिन्यू डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन मेन जो स्पाइनल कोड होता है मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है किससे बनी होती है बंडर ऑफ नर्व से दैट कनेक्ट द ब्रेन जो किस से कनेक्ट होती है हमारे मस्तिष्क से विथ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी के अदर पार्ट के साथ इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला कि कहाँ से शुरू होती है मेडुला से स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यू डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन और नीचे जा कर के आपके बैक बोन पर ख़त्म होती है ठीक है अब हम सेकेंड पैरा पढ़ेंगे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी

मतलब पहुँचाती हैं ठीक है द स्पाइनल कोड इज़ इंक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाई अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को और दर्टिबल कॉलम मतलब स्पाइनल कोड जो होती है वो छोटी छोटी हड्डियों जिन्हें हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं जिसके द्वारा स्पाइनल कोड क्या करी जाती है प्रोटेक्ट की जाती है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट किया जाता है सेकेंड पैरा है हमारा नर्वस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूरोन्स और नर्व सेल दे ब्रांच आउट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्वस ईच ऑफ दैम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन मीन्स जो नर्व्स होती हैं वो कैसी होती हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं धागे के समान स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं दे ब्रांच आउट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क ये कैसे फैली होती हैं एक ब्रांच की तरह मतलब पूरी बॉडी में एक लार्ज नेटवर्क की तरह फैली होती हैं जैसा कि हम कह सकते हैं कि मोबाइल के नेटवर्क्स पूरी जगह फैले होते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ये जो नेटवर्क्स की तरह वर्क करता है और पूरी बॉडी तक हमें क्या देता है मैसेज प्रोवाइड करवाता है दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ये क्या करता है हमारे मैसेज को लेता है और हमारी पूरी बॉडी तक का भेजता है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन की सहायता से दे आर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स हमारे अंदर तीन तरह की नर्व्स पाई जाती हैं इच ऑफ दैम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और सारी की सारी क्या करती हैं उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं हमारे फंक्शंस हैं फर्स्ट है हमारा सेंसरी नर्व सेंसरी नर्व्स क्या होता है दे ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन मीन जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको क्या करता है ट्रांसमिट करता है सेंस ऑर्गन से लेकर के किस्मत ब्रेन को फॉर प्रोसेसिंग द ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन हैंस व्हाट वी सी विद आर आइज हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं क्या स्मेल करते हैं अपनी नोज से हेयर विथ आर ईयर क्या सुनते हैं अपने कानों से टेस्ट विथ आर टांग एंड फील विद द स्किन आर रिकॉर्डेड टू द ब्रेन ये सब चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं हमारे मस्तिष्क पर रिकॉर्ड होती जाती हैं और ये सब हमारे क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं यही सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाते हैं सेकेंड है हमारा मोटर नर्व्स सी सीधी नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू कंट्रोल और मसल्स ये नर्व्स क्या करती हैं हम मतलब हमारे ब्रेन की हेल्प करती हैं हमारे मसल्स को कंट्रोल करने में द ब्रेन सेंड सिग्नल थ्रू द मोटर नर्व्स जो ब्रेन होता है वो सेंड करता है सिग्नल्स थ्रू द मोटर नर्व के द्वारा टू इंस्ट्रक्ट आवर मसल कब हमारी मसल्स को एक्सपेंड होना है और कब कॉन्ट्रैक्ट होना है मतलब कब सिकुड़ना है और कब फैलना है सो दैट वी कैन मूव दैम अकॉर्डिंगली इसी तरीके से हम अपने हाथ पैर को हिला ढुला सकते हैं जब मतलब मोटर नर्व ये सब चीजें करता है और ब्रेन उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि कब आपको अपने पैरों को चलाना है थर्ड इज नेक्स्ट पॉइंट दीज नर्व्स कम्प्राइज बहुत सेंसरी एंड मोटर नर्व्स ये क्या होती हैं किससे मिल के बनी होती है सेंसरी नर्व से भी और मोटर नर्व से भी बिच कैरी मैसेज जो क्या करती हैं मैसेज को कैरी करती हैं एंड फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन से फ्राम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी के ऑल पार्ट से द नर्वस सिस्टम इज़ एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क जो नर्वस सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है मतलब कि एक तरीके का कह सकते हैं कि वार्तालाप केंद्र कह सकते हैं नेटवर्क होता है ठीक है च कंट्रोल्स ऑल आर थाट एंड एक्शन जो क्या करते हैं हमारे सारे थाट्स हम जो सोचते हैं और हमारे सारे एक्शन को कंट्रोल में करके रखते हैं आर बॉडी इज़ कंट्रोल बाई द ब्रेन हमारी पूरी बॉडी किसके कंट्रोल में होती है हमारे मस्तिष्क के ठीक है हाउ एवर नॉट ऑल एक्शन आर कंट्रोल बाई द ब्रेन हमारे बॉडी का कोई भी एक्शन बिना ब्रेन मीन्स इसमें जो सारे एक्शन होते हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कौन से एक्शन कंट्रोल नहीं किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं वैन वी एक्सीडेंटली स्टेप ऑन आ ऑब्जेक्ट सेंसरी nerves ऑन द स्किन ऑफ our फीट सेंड a मैसेज टू द स्पाइनल cord. जो मतलब कि आप जैसे आपको कोई शार्प चीज़ मतलब कोई पैनी चीज़ अब छुपा दी जाए तो आपके साथ क्या होगा सेंसरी नर्व ऑन द स्किन स्किन के जो सेंसरी ज्ञान इंद्रियाँ होंगी वो उस मैसेज को कहाँ तक पहुँचाएंगी स्पाइनल cord की सहायता से मैसेज पहुँचाएँगी जो स्पाइनल सेकेंड नहीं, द स्पाइनल cord immediately सेंड द मैसेज टू द मोटर नर्व इन द leg.

जो रिएक्ट होता है वो हमने कैसे किया बिना सोचे समझे कर दिया दिस ऑटोमेटिक क्विक रिएक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन आपने कर दिया उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं मतलब आपको एक और बार समझाते हैं जब आपको कोई पैनी चीज चुभ जाए तो आपके पास जो मैसेज होगा वो किस तक जाएगा आप सेंड आपकी जो स्किन वगैरह है वो किसको मैसेज सेंड करेगी सेंसरी नर्व्स को सेंसरी नव स्पाइनल कोड को करेगा जो स्पाइनल कोड होगा वो किसको मैसेज भेज था है मोटर नर्व्स को भेजता है जो मोटर नर्व्स होती है वो इंस्ट्रक्ट करती है पैर को कि आपको क्या करना है पैर पीछे करने हैं मतलब जो इमीडिएटली जो रिएक्शन हो जाता है वो किसकी वजह से होता है वो स्पाइनल कोड उसको हैंडल कर रहा है मतलब इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं था वी रिएक्ट विदाउट गिविंग इट द थॉट ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पाइनल कोट क्या होता है और उसके क्या पार्ट होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं गुड बाय